नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। और मैं हूं आसिफ इकबाल। चुनाव में मुद्दों की लड़ाई के साथ साथ पोस्टरों की लड़ाई देखना खासा दिलचस्प रहता है। 33 करोड़ देवी देवताओं के इस देश में भगवत भक्ति खूब नजर आती है। भक्तों का मन देव पूजा से शायद नहीं भरता, इसलिए पोस्टरों में नेताओं को विभिन्न अवतारों के रूप में दिखाकर अपनी भक्ति साबित की जाती है। केवल देवता ही नहीं, फिल्मों के कैरेक्टर के रूप में भी नेताओं को दिखाया जाता है। हालांकि इन पर विवाद भी खूब होते हैं और कई बार कानून की सख्ती भी इन्हें झेलनी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति पूजा का जोर कुछ ऐसा है कि कोई उपाय कारगर नहीं दिखता। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल बनारस में भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य को कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया गया था, जबकि यूपी को द्रौपदी और अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, आजम खान और ओवैसी को दुशासन के रूप में यूपी की साड़ी खींचते हुए दिखलाया गया था। पोस्टर के नीचे लिखा था कि कलयुग में केशव केवल उपदेश नहीं देते बल्कि रण में भी उतरते हैं। इस पोस्टर पर खूब विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की साख दांव पर लगी है, शायद इसलिए पिछले साल से ही राहुल गांधी अलग अलग रूपों में पोस्टरों में दिखे हैं। पिछले साल एक पोस्टर में राहुल गांधी सिंघम के रूप में नजर आए। गोरखपुर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए इन पोस्टर्स में सभी प्रमुख दलों के नेताओं को राहुल गांधी से माफी मांगते दिखाया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी राहुल गांधी से माफी मांगते दिखाया गया था। तो इस तरह के अजीबोगरीब पोस्टर्स की परंपरा सी चल गई है राजनीतिक दलों में। और आप जैसे देखते हैं कि कई पोस्टर्स आए, इलाहाबाद में भी लगे, गोरखपुर में भी लगे, दिल्ली में भी लगे, हर जगह लग रहे हैं, तो ये एक अजीब सा ट्रेंड बनता जा रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली पोस्टर तो हमेशा रहे हैं, चुनाव के मौके पर पोस्टर का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार पोस्टर लगाए जाते हैं, ये चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से पहले भी जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार ऐसी कोशिश करते हैं कि अपने नेताओं को, दल नहीं, दल के जो समर्थक हैं वो अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के, जैसा हम देख रहे हैं जिस रिपोर्ट में अभी हमने देखा उसके बाद भी आपने जो बताया, तो ये जो स्थिति चल रही है इसमें कहीं सकारात्मक सोच की जो बात होनी चाहिए वो नहीं है। आप याद कीजिए कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर जो बातें होती थी, वहाँ आपको पोस्टर प्रतियोगिता में अगर हम भाग लेते थे तो वहाँ बनाने के लिए कहा जाता था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप कुछ बनाइए या महिला सुरक्षा पे कुछ बनाइए या और भी कुछ भी। तो ऐसी जो चीज़ें थी वो सकारात्मक सोच के साथ में एक रचनात्मकता पैदा करने के लिए वैसी चीज़ें होती थी। अगर उसी चीज़ को यहाँ लाया जाए तो बात दूसरी होगी, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि आप सकारात्मक नहीं नकारात्मक चीज़ों को किसी और को नीचा दिखाने के लिए हम किसी और को ऊपर उठाते हैं, अपने समर्थक के द्वारा अपने आप को अगर ऊंचा दिखा ऊपर उठाना चाहते हैं हम, तो ये मुझको नहीं लगता कि ठीक है। खास तौर से देखा गया इस तरह के पोस्टर्स यूपी में ज़्यादा लगते हैं, तो क्या यूपी को जो है इस तरह से माना जाए, धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रदेश माना जाता है, यहाँ के लोग ज़्यादा धार्मिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं? बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश को हमेशा धर्म से जोड़ा जाता है। आप याद कीजिए बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था, बाबरी विध्वंस जो हुआ था 1992 में, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो वहाँ उसको पोलराइज करने की जो कोशिश की जाती है उसमें धर्म का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, खासकर एक जो प्रमुख पार्टी है उसके द्वारा। इसलिए ये पोलराइजेशन का खेल है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसा बिहार में भी हुआ है, ऐसे दूसरे प्रदेश में भी होते रहे हैं। वैसे इस पोस्टर वार से सर्जिकल स्ट्राइक भी अछूता नहीं रहा था। देखते हैं रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नरेंद्र मोदी के राम अवतार वाले पोस्टर लगे थे जिनमें रावण पाकिस्तान था, लेकिन कांग्रेस नेता हसीब अहमद और श्रीचंद दुबे ने विगत वर्ष ही एक पोस्टर में राहुल गांधी को राम के रूप में और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को रावण के रूप में पेश किया। पोस्टर पर सर्जिकल स्ट्राइक का भी नाम लिखा हुआ था। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पोस्टर को लेकर बीजेपी नेताओं में जबरदस्त गुस्सा भी देखा गया था। बता दें कि हसीब और श्रीचंद इससे पहले प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने के लिए उन्हें दुर्गा के अवतार में बताने की मांग कर चुके हैं। इसके लिए दोनों ने प्रियंका का दुर्गा के अवतार वाला पोस्टर भी जारी किया था। तो राम रावण युद्ध के नाम पर कांग्रेस भाजपा ही आमने सामने नहीं हुए। भाजपा के एक पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम और सीएम अखिलेश यादव को रावण के रूप में दिखाया गया है। मोदी इस पोस्टर में रावण रूपी अखिलेश का संहार कर रहे हैं। इस तस्वीर का कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था कि राम की जगह मोदी की तस्वीर से भावनाएं आहत नहीं हुई होती हैं। चुनावों में सोशल मीडिया का भी खूब सहारा लिया जा रहा है।
और आसिफ, सोशल मीडिया की जो बात है, जैसा कि अभी हम इस रिपोर्ट में देख भी रहे थे, सोशल मीडिया का सचमुच बहुत सहारा लिया जा रहा है और सोशल मीडिया पे तो अलग अलग ढंग से अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त लड़ाइयां होती हैं उसमें, तो इस लड़ाई से भी जो स्थिति उत्पन्न होती है वो सोशल मीडिया, मतलब सामान्य आप धरातल पे जो यहाँ जो लड़ाई कर रहे हैं उस लड़ाई को आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी लड़ रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि कितने तरह के वहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें सोशल मीडिया में तो धार्मिक चीज़ें ही ज़्यादा शेयर की जाती हैं और अलग अलग तरह से उसको बना के शेयर किया जाता है उस पर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि धर्म से जुड़ी चीज़ को बंदा ज़रूर देखता है, कोई भी आएगा एक नज़र ज़रूर मारता है, क्योंकि अपना जो रचा बसा है समाज वो थोड़ा सा धार्मिक है। तो इस वजह से जो है कोई भी चीज़ अगर डाली जाती है सोशल मीडिया पे, यहाँ प्रोडक्ट ले लीजिए कुछ, उसमें भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है धर्म से मामला, राजनीतिक दल ले लीजिए उसमें भी कहीं ना कहीं धर्म से मामला जुड़ा होता है। तो और कहीं अब आजकल आप देखिए कि स्कूल्स भी कॉलेज भी जो हो रहे हैं वो भी ऐसे नाम रख रहे हैं गुरुकुल टाइप के या धार्मिक नाम रख रहे हैं, तो उनको भी पसंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें जो अगर आ रही हैं राजनीतिक दलों में पोस्टर्स में किसी देवता का रूप धारण करा के दिखा देना, ये अपने आप में ऐसी चीज़ से है कि हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं धार्मिकता को पहले अवसाद करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये ना सिर्फ देवता के रूप में, यहाँ पे तो फिल्म जो बाहुबली फिल्म आई थी उसमें वो फिल्म का जो कैरेक्टर बाहुबली है उसके रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिखाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट जरा। उत्तराखंड के चुनावों में एक दिलचस्प वीडियो आया है जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत को बाहुबली दिखाया गया है। राजनीति में गुंडागर्दी वाला बाहुबली नहीं बल्कि फिल्मी बाहुबली। इस वीडियो में मशहूर फिल्म बाहुबली से दृश्य लिए गए हैं जिसमें किरदारों के चेहरे बदल दिए गए हैं। बाहुबली बने हरीश रावत अपने कंधों पर उत्तराखंड का नक्शा उठाए चल रहे हैं। बाहुबली के शौर्य से अचंभित कुछ चेहरे दिखाए गए हैं, वे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, जबकि तांत्रिक के भेष में आए किरदार के चेहरों पर मोदी का चेहरा लगा हुआ है। कौन है वो कौन है गाने के साथ हरीश रावत उत्तराखंड का नक्शा उठाए जा रहे हैं और आखिर में उन्हें जिताने की अपील का टेक्स्ट स्क्रीन पर उभरता है। जी हाँ, ये वीडियो जो है वो फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनके साथ इंदिरा हृदेश का चेहरा भी लगाया गया है, यानी संदेश साफ है कि रावत और इंदिरा की जोड़ी पर कांग्रेस को जीत दिलाने का दारोमदार है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है, जबकि मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है, मैंने तो ये वीडियो लगाया नहीं है, सोशल मीडिया है, अब वहां कोई किसी को भला कंट्रोल कैसे कर सकता है। लोगों की भावनाएं हैं, कुछ को हमें बाहुबली दिखा होगा, किसी को कुछ और दिखता होगा। मैं तो खुद को बाहुबली मानता नहीं, हाथ जोड़कर बस सेवक मानता हूं जनता का। जी आसिफ, और एक मजेदार पोस्टर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी लगा है जिसमें मतदाता जागरूकता के नाम पर जिला प्रशासन की ओर से जाने अनजाने बहुजन समाज पार्टी के नेता और व्यापारी बसंत सिंह बग्गा के साथ लगा पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में जिलाधिकारी के साथ व्यापारी और बहुजन समाज पार्टी के नेता की तस्वीर जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। एक जिम्मेदार अधिकारी की फोटो किसी पार्टी विशेष और व्यापारी नेता के साथ लगाकर मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ गई? ये मजेदार तथ्य है, क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी है और एक नेता व्यापारी है और उन दोनों का पोस्टर लगा हुआ है रायबरेली में, और ये भी एक उत्सुकता का विषय बना हुआ है लोगों के बीच में कि आखिर ये अधिकारी इस नेता के साथ में कैसे है। ये बात आपने बहुत सही कही कि जो उत्सुकता का विषय बना हुआ है, शायद यही वजह हो सकती है कि लोगों को जो मुद्दे होते हैं उनसे भटकाकर इस तरह की चर्चा में इसे जोड़ा जाए, इस कंट्रोवर्शियल पोस्टर लगा के, ताकि वो इसी में उलझे रहें और ये सोचते रहें कि ये पोस्टर क्यों लगाया गया। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि शायद जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं बग्गा के बारे में, बग्गा को अगर ये पोस्टर नहीं लगता तो शायद हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते और हम नहीं जानते, तो उनकी पब्लिसिटी तो हो ही रही है, चाहे वो एंटी पब्लिसिटी ही क्यों ना हो। तो मुझको लगता है कि ये भी अपने आप को पॉपुलर करने का एक जरिया है। पोस्टर को हम लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में, जिस प्रकार ग्रुप बनाए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा कर ही रहे थे अभी, तो पूरा का पूरा जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है और उसके अलावा जो पुराने हथकंडे थे अपने प्रचार प्रसार के, वो सारे तमाम चीज़ें आज हैं धरातल पर और जिसको लेकर के लोग किसी भी प्रकार से अपने आप को लोगों के बीच पॉपुलर करना चाहते हैं। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज जोड़ो डालो कि वो जनता तक पहुंचे और वायरल हो जाए। अगर पोस्टर सकारात्मक सोच के साथ लगाए जाएं जिसमें जनता का हित जुड़ा हो, तो उसका लाभ समाज को ही नहीं जनप्रतिनिधि को भी होगा।
आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। नमस्कार।